आज हम करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं, इनकी अगर अलग अलग परिभाषा दे दी जाएगी तो इनका अंतर भी अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अनुस्वार, अनु प्लस स्वर, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। इनका उच्चारण केवल नाक से होता है और ये पंचम वर्ण की जगह पर प्रयोग होते हैं, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ट ड ढ ण त थ द ध न प प भ भ म। जिस भी जो यहाँ पर आएगा, जैसे ये है गंगा, इसमें जो ये वाला द शब्द है ये जिस वर्ग का है, जब हम इस अनुस्वार को खोलेंगे तो इस वर्ग का पांचवा होगा। जैसे ग तो ऐसे कैसा आ जाएगा, द त थ द ध न, न का है तो द का जो पांचवा व्यंजन है, पंचम वर्ण है, वो है न। तो इसको जब खोलेंगे तो ऐसे खोलेगा। इसी तरह से सभी जितने भी हमारे पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन के, जिसमें जैसे अब यहाँ पर जय पंजाब, ठीक है, जय चय छय जय जय, ये चय वर्ग का है। चय वर्ग का पांचवा क्या होता है, चय छय जय जय, ये तो अगर इसको हम खोलेंगे प ये जा पंजाब, ठीक है। जैसे ये है पंख, पंख को जब हम खोलेंगे तो ख क ख ग ग ग ग इसमें आएगा, तो इसको जब खोलेंगे तो ये ग और ये ख, ऐसे ये खुल जाएंगे। ये होते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक का निशान होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे हंस माँ, और इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। स्वर का इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि अनुस्वार का जो उच्चारण है वो सिर्फ नाक से होता है और अनुनासिक का जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। और इसके ऊपर इसका चंद्र बिंदु इसका निशान है, चांद बिंदु भी जिसको हम कहते हैं। जैसे इसमें हंस, इन अगर अनुस्वार और अनुनासिक लगाने से जो शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है। अगर हंस यहाँ पर लगाएंगे हम तो यहाँ पर होता है हंसना, और अगर अनुस्वार होगा तो इसका मतलब होता है हंस एक पक्षी। इस तरह से आशा करती हूँ कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।